हरियाणा के यमुनानगर में नगर निगम के चीफ सेंटर इंस्पेक्टर अनिल लैन और उसके एक दोस्त को स्टेट विजिलेंस की टीम ने 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसे आज कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया। यमुनानगर नगर निगम में सफाई के ठेके के लिए टेंडर कॉल किए गए थे, जिसमें जिंदल कुमार ने भी आवेदन किया था। जिंदल कुमार भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष जंगशेर का भाई है। जिंदल ने स्टेट विजिलेंस में दी शिकायत में बताया कि उसने सफाई ठेकेदार के रूप में टेंडर भरा था, जिसमें चीफ सेंटर इंस्पेक्टर ने उसे कहा कि अगर उसने 3 लाख नहीं दिए तो उसके आवेदन में कमी निकालकर रिजेक्ट करवा दिया जाएगा। टेंडर कैंसिल होने के डर से उसने 1 लाख पहले दे दिए थे और अब 2 लाख की मांग की गई थी, जिस पर उसने स्टेट विजिलेंस को शिकायत दी। जैसे ही स्टेट विजिलेंस की टीम को जिंदल ने इशारा किया, विजिलेंस टीम ने मौके पर ही दोनों को हिरासत में ले लिया और उनसे 2 लाख बरामद कर लिए। स्टेट विजिलेंस के इंस्पेक्टर जयपाल ने बताया कि अनिल नैन को 2 लाख के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने 9 तारीख को 1 लाख रुपए लिए थे। अब ये पैसे कहां बांटने थे और 1 लाख कहां है, इस संबंध में पूछताछ करनी है, जिसके लिए 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अनिल नैन है, सीनियर इंस्पेक्टर है नगर निगम यमुनानगर में। इसके विरुद्ध एक शिकायत मिली थी हेडक्वार्टर पे, वहाँ से टीम आई थी, उसके साथ हम गए थे और इसको 2 लाख रुपए के साथ लैंड पकड़ दिया है। इसने इस ठेकेदार से 1 लाख रुपए 9 तारीख को भी लिए थे, जो कुल 3 लाख रुपए हैं। 2 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं, 1 लाख रुपए बरामद करने हैं। इसके लिए हमने 2 दिन का रिमांड दिया है और इसके ये पैसे इसने कहाँ कहाँ बांटने थे उसके बारे में पूछताछ करनी है और अन्य विभागों के बारे में कुछ जानकारी देनी है, जैसे कहाँ कहाँ करप्शन का इमानदार है। ये इसने टेंडर पास करने के लिए। वहीं चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर अनिल नैन ने कहा कि ये कार्य इंजीनियर विभाग का था, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, मैं कोर्ट में इसका जवाब दूंगा। एक्चुअल ये इंजीनियर विभाग का काम था, ये कॉन्ट्रैक्ट का, और मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, जिसका मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, जिसका कोई मेरा सरोकार नहीं था और ये सारा इंजीनियर विभाग का ही काम था, मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। जो 1 लाख रुपये कह रहे हैं कि आपने पहले लिए घर पे रखे हुए हैं गाँव में, देखो ऐसे भी कुछ भी कह सकता है, उसकी मर्जी है, जिसको इल्जाम लगा रहे हैं, मैं इसका जवाब कोर्ट में दूंगा, जो कोर्ट डिसीजन देगा उस तरह। यमुनानगर नगर निगम में कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अब चीफ सेंटर इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में पूछताछ के साथ ही खुलासा होने की उम्मीद है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।